जी आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले तो यदि हम समाज को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, प्रोडक्टिव नॉट फॉर सेक्सुअल कंटेंट, क्योंकि सेक्स सिर्फ रिप्रोडक्शन ही होता है और सोसाइटी ये नहीं है। प्रोडक्टिव सोसाइटी एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक और साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड सोसाइटी है, जिसमें लोग अपना खर्च खुद उठाते हैं, अपनी जीविका यापन के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, अच्छे काम करके भी पैसा कमाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, देयर आर सो मेनी स्ट्रीम्स। सिर्फ नंगा होके ही पैसा कमाया जाए, अटेंशन सीकिंग की जाए और शॉर्टकट ऑफ सक्सेस को अपनाया जाए, बहुत गलत तरीका है। इसी पर मैं ललित जी से भी कमेंट चाहूंगी। ललित जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहना चाहूंगा कि ये सेंसर होना बहुत जरूरी है और ये गाली गलौज। वो एंगर गुस्से में गालियां दे दी, तो मैंने उसको बोला मैं ऐसे भी गुस्सा दिखा सकता हूँ बिना गालियों में। उसको समझाया, पर बहुत चर्चा होने के बाद मैंने काफी हद तक छोटी मोटी गाली देके उस सीन को निकाला मैंने, गाली वाले को। तो सेंसर होना चाहिए और कलाकार भी चाहे थोड़ा सा। मैं मानवी जी से कमेंट चाहूंगी। ओटीटी पर कई तरह के कंटेंट लोगों के सामने पेश किए जाते हैं मानवी जी, लेकिन आपका उसे लेकर क्या नजरिया है? देखिए, अभी मैं कुछ पैनल को सुन रही थी। सेंसर बोर्ड होना बहुत जरूरी है, जिससे हम एक दायरे में रहे, हम दायरे को क्रॉस ना करें। पर हम सेक्स वर्ड यूज नहीं कर सकते, सेक्स बहुत बड़ी बात होती है, इट्स जस्ट लाइक अ पोर्नोग्राफी। तो पोर्नोग्राफी तो परोसा नहीं जाता है, कहीं हद तक हम इसको एरोटिक कह सकते हैं, बोल्ड कह सकते हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कंटेंट पे डिपेंड करता है। अगर कंटेंट जरूरी है, अगर उसपे जो चीज उन्होंने सोचा हुआ है कि हमने ऐसे कंटेंट को परोस कर, राजकुंद्रा को अरेस्ट किया था, वो ओटीटी पे नहीं था, वो एप्स पे था और उसपे कार्रवाई चल रही है, उसपे पोर्नोग्राफी की कार्रवाई चल रही है। लेकिन हम यहाँ पे ओटीटी की बात कर रहे हैं, तो ओटीटी में पोर्नोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर ऐसा कुछ आप उसपे अपलोड करते हैं तो वो अपलोड होने ही नहीं देते, क्योंकि उधर का एक अपना एक सेंसर बोर्ड है। आप पोर्नोग्राफी नहीं दिखा सकते, आप एरोटिक दिखा सकते हैं, उसे काफी हद तक बोल्ड दिखा सकते हैं। गाली गलौज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगी मानवी? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। गाली गलौज को आप कैसे जस्टिफाई करेंगी? गाली गलौज के लिए मैंने कहा ना अभी सेंसर बोर्ड, आपने मेरी सुनी स्टेटमेंट की, ठीक है, अगर वो गाली ओवर द बोर्ड जा रही है उसके लिए आप सेंसर बोर्ड करिए और सेंसर बोर्ड से वो पास होएगा तभी हम उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक चीज एक और ऐड करना चाहती हूँ कि हम सिर्फ इस वक्त बॉलीवुड को या हम सिर्फ अपने ही इंडिया का ही क्यों देख रहे हैं? आप इसको हॉलीवुड से कंपेयर करिए ना। ओटीटी पे अगर आप देखने जाते हैं, कितनी सारी ऐसी हैं, ह्यूमन है, ह्यूमन बहुत अच्छी वेब सीरीज है, एक दो वेब सीरीज को या एक दो मूवीज ऐसी अपलोड हो जाती है, उसके बाद आप पूरा बॉलीवुड को कटघरे में ले आते हैं या पूरा का पूरा ओटीटी को कटघरे में ले आते हैं कि ओटीटी पे ये परोसा जाता है। आप ह्यूमन नहीं बोलते, कितनी अच्छी वेब सीरीज है। द फैमिली मैन देखिए, उसमें आप घर बैठ करके सब एक फैमिली गेट टुगेदर करके आप वो मूवी देख सकते हैं। मेड इन हेवन बहुत अच्छी है। गुल्लक फॉर एग्जाम्पल, गुल्लक सुपर हिट हुई है, थर्ड एपिसोड सीरीज आ गई है गुल्लक की। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं अगेन यही बोलना चाहती हूँ, कंटेंट पे डिपेंड करता है कि कंटेंट कैसा है। अगर वो रिलेट करता है कि उसमें आपको थोड़ा अग्रेशन दिखाना है, थोड़ा वॉयलेंस दिखाना है, तो ठीक है। और पर एक सेंसर बोर्ड जरूर होना चाहिए कि जिससे एक दायरे में रहे। और अगर आप जैसे न्यूडिटी और जो आज हमारा टॉपिक है, जिस चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप उसको हॉलीवुड से कंपेयर करें तो सही मायने में एक ग्रे लाइन को आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि ये पोर्नोग्राफी है या ये एरोटिक है। जी, ये सहमत है मानवी जी के स्टेटमेंट से? जी, मैं सुन नहीं पा रही थी। आप मानवी जी के स्टेटमेंट से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल, मैंने वही बात बोली, उन्होंने अपने तरीके समझाया, मैंने मेरे तरीके समझाया कि मैंने कहा कि लिमिटेशन होना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल सही बात है, गुल्लक हो या कोई भी, आप पंचायत का सीरीज देख लीजिए, मेरे दोस्तों ने काम किया है, बहुत अच्छा सीरीज है, मुझे बहुत पसंद है। और मैं देखिए, एक चीज क्या हो गई है, ओटीटी आने से जो मेन प्रॉब्लम हुई है, जो फेसबुक पेजेस है या यूट्यूब चैनल्स है ना, उसमें हमारे आसपास के लोग, बच्चे, छोटे उम्र के बच्चे, छोटी लड़कियां, जिनको बहुत जल्दी कामयाब होना है ना, वो इन सब चीजों पर भाग रही है। उन्होंने ये पथ बना लिया है कि यार हमको इस तरह जल्दी जाना है और कुछ उस पर पैसे भी आ रहे हैं। तो मुझे भी कई लोग पर्सनली बोले, आप इस पर आ जाइए भैया, आपके तो इतने फॉलोअर्स हैं, पैसे मिलेंगे, ये मिलेंगे। अब पैसे मिलने के चक्कर में लोग क्या बना रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता है, उनके घर के लोग, अगर मैं तो कई ऐसे लोग जानता हूँ कि जिनके घर में ये बोल दिया जाता है कि यार मम्मी या पापा इससे इतने पैसे आएंगे, तो माँ बाप भी नहीं बोलते, चलो पैसा आ रहा है,
बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या डांस कर रहे हैं, क्या लिपसिंग कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही। आजकल एक वो मैं देखता हूँ आंगनबाड़ी, क्या क्या है आंगनबाड़ी समझ ही नहीं आ रहा क्या, लेकिन वो इसके व्यूज है कुछ भी मैं भी बनाता हूँ। लेकिन यार एक लिमिटेशन हर चीज में होना जरूरी है। हर माँ बाप यही चाहता है कि उनका बच्चा जो भी हो एक दायरे में रहे, तो वैसे मैं भी चाहता हूँ कि हर चीज जो भी मैं भी अभी आप सोचिए मैं एक्शन करता हूँ, मैं फिल्म करता हूँ, मेरा छोटा बच्चा 3 साल था और मैं एक्शन सीन में मेरे को ब्लड आ रहा था और मेरा बेटा मेरे को नहीं देख रहा, 3 साल के बच्चे को पता कि मेरे पापा का चोट लग गया। तो ये चीजें इसलिए हो रही है कि अगर हम उस लिमिटेशन में रहेंगे तो हर चीज अच्छी है और आगे बच्चों का फ्यूचर होना। हमारी तो आधी उम्र निकल गई लेकिन आने वाले समय मुझे लगता है कि अगर ऐसा रहा तो हमारे बच्चे हमारे हाथ में नहीं रहेंगे, किसी के हाथ में नहीं है। वो पहले पबजी में बिजी होते थे, अभी कुछ में बिजी हो गए, अभी ओटीटी में बिजी हो गए। और मैं ऐसे ऐसे वीडियो बिहार के देखे हैं कि कौन सी कौन सा एक एक सबका अपना अपना है, वो गाली गलौज करके और लोग हिट है उसके ऊपर रील्स बनाते हैं। समय बात ओटीटी की हो तो रही है लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में भी वल्गर कंटेंट दिखाया जाता है, रात दिया बुझा के पिया क्या क्या किया, इस तरह के गाने आते हैं, ऐसे क्रिएट होते हैं जिस पर बच्चे भी थिरकते हैं, तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल देखिए वहां मैं वही कह रहा हूँ, जो सबसे ज्यादा गलत आती है शुरू होती है एल्बम से, एल्बम में गाने आते हैं, एल्बम में कोई सेंसर बोर्ड होता ही नहीं है। अब वो क्या गाते हैं उसमें खुश है, व्यूज पाके 100 मिलियन 7 मिलियन 50 मिलियन, फिल्म का व्यूज ही नहीं आता कि फिल्म इतने चल रही है उसका नहीं है। मैं एल्बम से बहुत मेरी दूरी है, मैं तो गाने भोजपुरी आधे गाने समझने में मेरे को 2 दिन लग जाते हैं कि गाने का मीनिंग क्या है, और पता चलता हूँ गाना सुपर डुपर हिट हो गया, किस लिए हिट गया मेरे को नहीं पता लेकिन वो हिट है। अभी तो कैसे कैसे गाने आते हैं मैं क्या बोलूं, लेकिन ये चीज है कि सेंसर यहाँ भी होना बहुत जरूरी है। अब तो एक्टर क्या हो गया, अभी एल्बम के एक्टर और फिल्मों के एक्टर को मैच एक हो गया कि ये भी एक्टर है ये भी एक्टर है। हम कर क्या रहे पैसे के लिए व्यूज के लिए पता नहीं अभी, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्या मेरे घर वाले देख रहे हैं, वो देख के उनको क्या रिएक्शन है, अगर मेरे परिवार वाले खुश है तो हम खुश है। लेकिन जहाँ हम वल्गैरिटी की बात करते हैं या गानों की बात करते हैं, द्विअर्थी हो जाते हैं गाने, दो अर्थी हो जाते हैं। पर आप जिस सिंगर से या उनसे पूछिएगा लिरिसिस्ट से कि इसका मतलब क्या, तो वो आपको अलग ही मैं समझा देगा, मैं सोचूंगा ये तो समझाएगा ये, तो आप बहस भी नहीं कर सकते कि यार ये सही है मतलब ये अपनी जगह पे अपनी बातें समझा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं घूम के वही आ रहा हूँ कि एल्बम के लिए भी सेंसर होना बहुत जरूरी है। गाने रात दिया बुता के पिया क्या किया, आप समझिए वो गाने में लड़कियां डांस कर रही है, लड़के डांस कर रहे हैं, उनको मजा आ रहा है यार, समझना ही चाहते, उनको लग रहा है गाना अच्छा है तो ठीक है एंजॉय कर रहे हैं। तो जो अपने हम मेरे जो अपने मैं उनको समझा सकता हूँ, मैं अपनी बात रख सकता हूँ, हम किसी को घुट्टी नहीं पिला सकते कि आप पियो आप ये करो ये करो। हम हर इंसान अपने मन का मर्जी का है, उसको जो अच्छा लगता है वो करता है, तो मेरे कहने से भी नहीं। तो हम तो मैंने तो कई ऐसे पोस्ट किए तो लोग गालियां लिखते नीचे से, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, अरे यार भाई क्या बोला जाए, तो समझना ही चाहते हैं उसमें खुश है वो, तो उनको खुश रहने दीजिए। पर हमारी क्या है, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ, वो मैं अपनी जिम्मेदारी लिया हूँ कि मुझे लोग ऐसे देखे मैं ऐसे करूँ। ये इंपॉर्टेंट है कि सेंसर बोर्ड ओटीटी के लिए हो या एल्बम्स के लिए हो या ऐसे जो आपको लगे कि अश्लीलता है, ये होना बहुत जरूरी है। अभी तो बहुत भोजपुरी सिनेमा का सेंसर बोर्ड बहुत चीज हो गया, अभी क्या है एक्शन कम हो गए हैं, गाने ऐसे आ ही नहीं रहे, वो आइटम सॉन्ग बंद ही हो गए बिल्कुल, तो ये होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब सेंसर बोर्ड में ना भोजपुरी के 2-3 लोग बैठे होते हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, हमारे घनश्याम सतो जी आ रखे हैं, तो उनको मीनिंग आप उनको उनसे बहस नहीं कर सकते, उनको पता है कि इस मीनिंग का मतलब क्या है, पहले लोगों को नहीं पता चलता था, उनको ये समझा दो तो समझ जाते थे। तो ये बहुत जरूरी है कि सेंसर बोर्ड हो, एक लिमिटेशन हो हर चीज हर दायरे, जैसे 50 ओवर का मैच 20 ओवर का मैच होता है तो वो लिमिटेशन होना चाहिए कि यार इसके अंदर ही बस, उससे ऊपर नहीं जाए। जो चीज अच्छा लगता है ऐसे मैं बताया पंचायत गुल्लक की उन्होंने बात बताई मेरे को भी गुल्लक, हाँ ये सब ये भी हिट है, ये बहुत बड़ी हिट है, आप ऐसे ही बनाइए आप बिल्कुल ऐसे लोग देखते हैं, तो वो भी जरूरी है, ये तो मानना जरूरी है। हमको सेंसर होना बहुत, सवाल मैं करने जा रही हूँ वो आप सभी के लिए है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अब तक सेंसर क्यों नहीं किया गया, इसकी जरूरत तो हर किसी को महसूस हो रही है लेकिन अब तक इसे सेंसर क्यों किया गया? निखिल जी, मिस बंसल मैं कुछ बोलूं इस पर? सबसे पहले इस पे गवर्नमेंट को चेक रखना चाहिए और इसके लिए गवर्निंग बॉडी एस्टैब्लिश फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड होना चाहिए जो इसको फिल्टर मैं यहाँ कुछ ऐड करना चाहती हूँ, यहाँ मैं ऐड करना चाहती हूँ, ये सेंसर करना ओटीटी को बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि ओटीटी में सिर्फ बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है, वो अराउंड द वर्ल्ड, किसी भी ओटीटी का मतलब यही है, सुनो मेरी बात सुनिए, पूरे वर्ल्ड में जो भी रिलीज होता है ना वो ओटीटी पे देखा जाता है। हम नेटफ्लिक्स उठा करके देख लीजिए, वहाँ पे अगर कंटेंट सर्व किया जाता है तो अरे सुन तो लीजिए, नेटफ्लिक्स को बैन कर सकते हैं आप, कोई भी अरे सुन
लो मैडम, बहन जी, बहन जी सुनिए सुनिए, अरे मेरी भी बात सुनिए, अरे आप बंद कर दीजिए, आप बॉलीवुड बात काटने की आप मेरे सुनी नहीं रहे, ना करे आपको सुनना भी आना चाहिए, आप भारत का सब कुछ बंद कर दीजिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सेक्स लाइफ देखी है, नेटफ्लिक्स में सेक्स लाइफ देखी है, नेटफ्लिक्स में डार्क बाजार देखा है, संज्ञान लेना चाहिए आपको, एक दूरसंचार प्रसारण मंत्रालय को आगे आना चाहिए, नहीं आएगा उसमें कि पोर्नोग्राफी है या वो एरोटिक है तो आप उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए, आप सिर्फ ये करते हैं कि हमारे में क्या परोसा जा रहा है, अरे आप क्या बैन कर सकते हैं, आप कितनी मूवीज बैन कर सकते हैं ओटीटी पे, आप वर्ल्ड की भी बैन कर सकते हैं मैडम, मैं मेरे बच्चे नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं है, कभी आप ऐसी बेशर्मी वाली बातें कर रहे हैं, चुप हो जाइए, अगर आपके बच्चे होते अरे मैं कोई मेरी बात सुन लीजिए, बच्चे बच्चों के दिखाऊंगी, मेरे मेरे भाई के बच्चे, चार पांच साल के छोटे बच्चों को आप नंगा नाच छोड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, सेक्स एजुकेशन, खुद 80% ऑफ बच्चे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होते हैं, असॉल्ट होते हैं, देखना बहुत जरूरी है बच्चों को, क्यों आप तो चाहते हैं, अरे आपको आप तो चाहते हैं, अरे आप चाहते हैं कि बच्चे एक्सप्लॉइट होए, आप तो बोलते हैं ये बैड टच है, गुड टच है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, मुझे पहले बताओ आप टीवी ऑन करके दिखाओ और कितनी ओटीटी को सब्सक्राइब किया हुआ तुमने, सब ओटीटी को सब्सक्राइब मैं डेफामेशन का केस डाल दूंगी तुम पे, ये बहुत बड़ी बात है पैसे के लिए, जब तुम पे केस आया ना तब पता लगा पैसे इनका बोला, सब फॉलोअर्स क्यों बढ़ा रहे हैं, कपड़े उतारने की बात कर रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ाने का मतलब क्या है, अरे क्यों गुल्लक फॉलोअर्स बढ़ा रहा है, गुल्लक फॉलोअर्स बढ़ा रहा है, फैमिली मैन ने फॉलोअर्स बढ़ाए हैं क्या, मैं बताती हूँ ब्रांडेड क्वीन, ब्रांडेड क्वीन कितने साल पहले की बात चल रही है, इसका भी जवाब देती हूँ, ब्रांडेड क्वीन आई थी, ब्रांडेड क्वीन ने सेंसर बोर्ड को पास कैसे किया, क्योंकि वो कंटेंट था उसमें, वो जरूरी था उसमें, अगर फूलन देवी की इमोशनल चीजों को नहीं दिखाया गया, दिखाता जाता तो पिक्चर हिट नहीं होती, उसमें न्यूडिटी नहीं थी, उसमें न्यूडिटी नहीं थी, उसमें अरे देखा तुम्हारा हर चीज का जवाब है, पहले पहले कहते हो सेंसर बोर्ड, जब मैंने सेंसर बोर्ड का जवाब दिया तो सेंसर बोर्ड पे भी सवाल आ गया, अरे कुछ सोच के तो आओ, अरे उसमें तभी तो यू और ए है, यूनिवर्सल एड्रेस इसीलिए तो लिखा गया है कि अगर ए है तो नहीं देखना है बच्चों को, अगर वो ओटीटी पे जा रहा है, अगर अगर तुम बॉलीवुड के मेरी बात, अरे तो सुन तो लो मैडम, मैडम सुन तो लो, अरे तो ओटीटी को बंद कर दो, कर दो, गूगल को बंद कर सकती हो, गूगल को बंद कर, सब कुछ बंद कर दो तो क्या देखेंगे, तुम्हारा डिबेट, तुम्हारे भाषण ये देखेंगे बच्चे, नहीं एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या देखना चाहिए, अरे भैया मैडम आपका डिबेट देखना चाहिए, भाषण देखेंगे तुम्हारा, मुझे नहीं पता आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं, अरे मुझे नहीं पता तुम्हारी मानसिकता क्या है, तुम पता है क्या चाहते हो, बच्चे एक्सप्लॉइट हो, तुम ये चाहते हो, तुम ये नहीं चाहते अवेयरनेस दिखाना, गुड टच बैड टच बोलना बताना तो आता नहीं है, बच्चे एक्सप्लॉइट होते रहे, अरे बच्चों के लिए नॉलेज है, ये सेक्सुअल एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, और नेटफ्लिक्स का या कोई भी बच्चे को हार्मोनली एक्सप्लॉइट करना, अरे तो देखेंगे तभी तो पता लगेगा ये चीज गुड टच है बैड टच है, अरे मैं कह रही हूँ यही तो अवेयरनेस बहुत जरूरी है, आज भी 80% जो लड़कियां हैं, अरे टच करके नहीं दिखाया जा रहा, देख करके बच्चों को पता लगता है ना, जब बच्चे एक्सप्लॉइट हो जाए तो तुम ये चाहते हो कि बच्चे पहले पूरे एक्सप्लॉइट हो जाए, मानवी जी मेरा सवाल आपके लिए है कि आजकल ऐसे भी मामले आपके कंटेंट को स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए, तभी मैं बात करूंगी, आप मुझे सवाल आपके कंटेंट को, आप ये कहना चाह रहे हो कि स्कूलों में इस तरीके से तो स्कूलों में 80% लड़कियां जो है ना 80% न्यूड, अच्छा न्यूड मूवीज कहां से आई बताओ, न्यूड मूवीज इज नॉट अलाउड, मैंने तभी अपने डिबेट के ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था, इट इज एरोटिक, इट इज नॉट, इट इज एरोटिक बोर्ड, इट इज एरोटिक बोर्ड, तो फिर अभी आप मतलब चेंज कर रहे हो, न्यूड कैसे बोला आपने, इट इज नॉट न्यूड, इट इज एरोटिक एंड बोल्ड, आप पहले इंग्लिश समझ के आओ, आप वर्ड्स क्या यूज कर रहे हो, आपको भी समझना चाहिए मैडम, चार अक्षर अंग्रेजी के बोलने से
और टांगे नंगी करके बैठ जाने से कोई मॉडर्न नहीं होता. इट इज नॉट सेक्स. ऐसे तो आपको अगर किसी लड़की का गला भी डीप होगा, लड़की का गला भी डीप होगा, तभी हम उसको न्यूट करेंगे. नहीं नहीं, आप मुझे, अरे तो उस मोमेंट हो गया पहले. आप स्कूल में जो बच्चा जाता है, आज की डेट में भी 80% जो लड़कियां हैं वो स्कूल में जा करके उस मोमेंट को ढक सके. अरे उस मोमेंट ये फैशन है. अरे आप जैसे लोग नहीं समझ सकते, दिस इज फैशन. अगर हम कुछ बनाई जाती है कमाल की बात है. और आप ये कह रहे हो कि सोसाइटी में अच्छा कंटेंट आप प्रेजेंट करना चाहते हो, आप सोसाइटी पहनना चाहते हैं, वो अच्छा है कि बुरा है? आप पहनना नहीं चाहते, शायद आपके घर वाले अलाउ नहीं करते, तो आप हमसे गलती है कि आप अच्छे डिजाइनर कपड़े पहने. अब वो जलन हो जाती है तो फिर पहनिए. कौन मना कर रहा है? हाँ, ये फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, आपकी मर्जी है. नो नो नो, इट इज फ्रीडम ऑफ चॉइस. नो, यू कैन नॉट फोर्स एनीवन व्हाट टू वेयर एंड व्हाट नॉट टू वेयर. आप फोर्स नहीं कर सकते. देन व्हाट यू वांट टू लिसन फ्रॉम माय साइड, अगर किसी को पहनना है, व्हाटएवर यू वांट यू कैन वेयर. इफ यू डोंट, यू डोंट नीड टू वेयर एनीथिंग. तो क्या नहीं पहन सकते? क्या मुझे बताओ, आज अगर मैं चाहना चाहूँ, अगर मैं जो कहना चाह रहे हो, मैं एग्री करता हूँ. गुल्लक में ऐसा कोई न्यूडिटी नहीं थी, गुल्लक में कोई वॉयलेंस नहीं थी. क्यों सुपर हिट बन गई? तीन सीरीज क्यों आई गुल्लक की? फैमिली मैन की दो सुपर हिट सीरीज कैसे हो गई? कंटेंट आपको हिट बनाता है, आपका काम आपको हिट बनाता है, लेकिन अगर उसमें सीन की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए वो डलती है. आपका कपड़े, आपकी ये सब चीजें नहीं होती. अगर आप बीच में जा रहे हैं तो आप सूट पहन के जाएंगे बीच पे. मानवी, एक सवाल आपसे करना चाहूंगी कि आजकल ऐसे भी मामले सामने आते हैं जहां दुष्कर्म करने वाला भी नाबालिग होता है, सहने वाला भी नाबालिग होता है, तो क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाया जा रहा कंटेंट इसके पीछे की मेन वजह हो सकता है, मेन रीजन हो सकता है? देखिए, मैं इसको ऐसे देखना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारी अभी भी महिलाएं हैं जो बच्चों को नहीं बता पाते हैं कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है. यही मैं इनसे पहले पैनलिस्ट से समझाना चाह रही थी. और दूसरा मैं ये भी बोलना चाह रही हूँ कि 80% आज भी जो गर्ल्स हैं उनको स्कूल में ही जाके पता लगता है, जब उनके साइकिल शुरू हो जाता है उनको ये भी नहीं पता. अगर हम ऐसी मूवीज आती है जो थोड़ा सा अलार्मिंग होती है बच्चों के लिए, तो वो उनको उनके अवेयरनेस के लिए है. क्योंकि हमारा जो कल्चर है, अभी भी कहीं ना कहीं हम एक बैकवर्ड सोच रखते हैं, हम बच्चों से डिस्कस नहीं कर पाते खुल के. तो वो चीजें आपको टीवी पर पता लग जाती है कि हाँ, ये चीज गलत है, ये गुड टच है, ये बैड टच है. तो उससे बच्चों का, क्योंकि 80% अगर आप सर्वे करो, 80% बच्चे एक्सप्लॉइट होते हैं. अगर आप टीवी पे वो देखते हैं, उनको पता लगता है इट इज नॉट राइट, तो वहां वो एक्सप्लॉइटेशन होने में चांसेस कम हो जाते हैं. और जहां ये कहते हैं कि कपड़े ऐसे पहनने को न्यूडिटी, पहले तो इनको आप समझाइए, न्यूड का मतलब होता है यू आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग. सेक्स का मतलब होता है कि व्हेन यू आर हैविंग एन इंटरकोर्स. लेकिन ये दोनों चीजें, और लिसन भैया, सॉरी बोलने दीजिए मुझे, मुझे बोलने दीजिए. तो आप अगर कुछ देखते हैं टीवी पे और अगर उससे बच्चों को अवेयरनेस मिलती है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आप एजुकेशन दे दीजिए ना बच्चे को. मेरे बच्चों को एजुकेशन दे दिखाकर एजुकेशन नहीं देते मैडम. तो आप मत देखिए, चलिए आपको आपत्ति है ना, मत देखिए, देखने दीजिए जिसको देखना है. लेकिन मैं बोलूंगी ये गलत नहीं है. बच्चों को अवेयरनेस मिलती है, बच्चों को अवेयरनेस होने दीजिए. बच्चों को एक्सप्लॉइटेशन से ज्यादा बेटर, ये प्रोफेशन है, वो इसको कभी गलत बोलेगा नहीं. आप गलत प्लेटफॉर्म पे गलत लोगों से पैनल में डिस्कशन करा रहे हैं. ये लोग इसको कभी गलत बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है. मैंने इस डिस्कशन को, और इनके हिसाब से लड़कियों, अच्छा मैडम मैं आपसे एक बात बोल रही हूँ, आप तो स्लीवलेस पहन करके बैठी है. अरे मेरे को थोड़ी न्यूडिटी लग रही है इसके अंदर, आपने फुल स्लीव क्यों नहीं पहना? नहीं क्यों नहीं? अरे ये तो सिलेक्टिव अप्रोच होगी. नहीं 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 मैडम, ये सिलेक्टिव अप्रोच है. क्यों? अरे आप बताएंगे वो स्लीवलेस पहन सकती है, या गला इतना डीप हो सकता है, या 7 इंच डीप हो सकता है, 8 इंच डीप हो सकता है, या शॉर्ट स्कर्ट इतनी शॉर्ट हो सकती है, या इतनी मिनी हो सकती है, या आप डिफाइन करेंगे. हमारे पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, हम पहन सकते हैं. कौन से ऑर्गन एक्सपोज हो रहे हैं? वो अगर थोड़ा सा क्लीवेज दिख गया तो क्या एक्सपोज हो गया? क्या एक्सपोज हो गया? साड़ी तो पहनते हैं सब. आपकी फिल्मों में तो आप चाहते हैं, अरे व्हाट यू मीन, आपकी फिल्म जो एक्सपोज होता है मैडम, इट इज नॉट आपकी फिल्म, कंटेंट ही है मैडम. अश्लील फैमिली में आप बता दीजिए, फैमिली में बता दीजिए क्या अश्लील हुआ है,
सेक्स लाइफ में बता दीजिए क्या हुआ, सेक्स सीन्स को आप क्यों एक्सपोज करते हैं? तो भैया आप देखिए, बता लीजिए ना गुल्लक में कहां पे एक्सपोज हुआ है, बताओ गुल्लक में। मैंने गुल्लक नहीं देखी मैं। हाँ तो आप ओटीटी नहीं यूज कर बोले ना आप, फिर जब देखिए मैडम सीधी सी बात है, जब आप ओटीटी यूज नहीं कर सकते आपको कोई हक नहीं है बोलने का, क्योंकि आपको नहीं पता क्या जवाब परोसा जाता है। ऐसी चीजें हम क्यों यूज करें? इनका यूज करना नहीं, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। देखिए अगर सोसाइटी में नग्नता और अभद्र भाषा की जाती है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप चाहे वो ओटी आपकी बात सुन ली, मैंने आपकी बात गूगल ले, सोशल मीडिया ले, कुछ भी ले। जी बिल्कुल। मेरा अगला सवाल ललित जी आपसे है कि बात अगर कॉमेडी की करें तो पहले कॉमेडी पूरी हेल्दी तरीके से होती थी, और आजकल जैसे आप देखते हैं कुछ कॉमेडियंस धर्म का इस्तेमाल भी करते हैं, बोल्ड कंटेंट का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि जो महमूद साहब कॉमेडी करते थे, पहले के जो हमारे आर्टिस्ट करते थे, उनमें एक ह्यूमर होता था, और अभी क्या है कि लोग थोड़ा भद्दे तरीके से दो अर्थी है कॉमेडी कर रहे हैं, वो तो सेंसलेस है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो मतलब मैं मानता हूँ, पर अच्छे समाज के लोग, सामाजिक लोग ये फुगड़ कॉमेडी पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि आप फिल्म देखने गए हैं और आपके फैमिली के साथ में पूरा परिवार गया है, और अचानक आप स्क्रीन पर देखते हैं कि दो अर्थी कॉमेडी आ रही है, तो बहुत ही शर्मनाक होती है, और मतलब मैं कहता हूँ ये बात बिल्कुल गलत है कि दो अर्थी कॉमेडी होनी ही नहीं चाहिए। आप कॉमेडी अपने बॉडी लैंग्वेज से करें, टाइमिंग से करें, वो अच्छा लगेगा, जैसे महमूद साहब करते थे, पुराने अमिताभ बच्चन करते थे, ये ठीक है, लेकिन आजकल गंदे शब्दों का, गंदे दो अर्थी शब्दों को यूज कर कॉमेडी कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है, वो आधे लोगों को तकलीफ ही पहुंचाती है। कोई अपने मन परिवार को लेके गया फिल्म देखने, लेकिन वहां जाकर लज्जित हो जाता है, तो एक साफ सुथरी अच्छी कॉमेडी बनाए जिससे कि चेहरा खिले खुश। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जा रहे कंटेंट पर क्या सरकार की ओर से भी कोई कदम उठाया जाना चाहिए? मान लीजिए, देखिए मैं कहती हूँ कि जब अंटिल कोई भी भगवान का या कोई भी किसी भी धर्म के देवी देवताओं का अपमान नहीं किया जा रहा, उसके अलावा अगर कुछ भी कंटेंट हो दैट इज फाइन, और यस एक आप कह सकते हैं कि एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए कि जिससे ओवर द बोर्ड जैसे कई लोगों को लगता है, तो उसकी वजह से अगर एक सेंसर बोर्ड आ जाएगा तो ये चीजें स्टॉप हो जाएंगी। बट मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि अगर आप उसको हॉलीवुड से कंपेयर करें तो इट इज अ वेरी थिन लाइन, आप उसका डिफरेंस नहीं बता सकते कि ये पोर्नोग्राफी है या ये एरोटिक है। मिस बंसल, सबसे पहले जो से पहले सेंसर बोर्ड था हमारी हॉलीवुड बॉलीवुड को, देखो भारत में जो भी कंटेंट सर्व किया जाता है भारत की सरकार और सूचना एवं दूरसंचार प्रसारण मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए और तय कर देना चाहिए कि इस तरह का कंटेंट जो भी एक बॉर्डर लाइन, जैसे कि मैडम ने भी कहा कि वो बॉर्डर लाइन हमें तय करनी होगी, और उस ग्रे मैटर से हमें डार्क में जाना है या लाइटर में रहना है उसके नॉर्म्स क्लियर करने पड़ेंगे, वो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, कोई इंडिपेंडेंट गवर्निंग बॉडी, जैसे पहले सेंसर बोर्ड था, इट वॉज अ ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट प्राइवेट बॉडीज बनाती हैं, वो प्राइवेट लोग इकट्ठे होते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के, वही उसमें पैसा डालते हैं और वही उसके डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी होते हैं। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इसकी बॉर्डर लाइन तय करनी चाहिए। ललित जी, मैं कहना चाहूंगा सरकार तो प्रयत्न कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड बनाए, अच्छी बात है, लेकिन आम जनता भी ऐसे कंटेंट को ना देखे। बिल्कुल सर, मेरा कहना मतलब कि बिल्कुल सब देखते हैं उसको, तो इसलिए हिट होते हैं। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ कुछ समय पहले तक देव सिंह जी भी जुड़े थे, उनकी तबीयत खराब थी इसलिए वो चले गए। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जो बोल्ड कंटेंट दिखाया जाता है उस पर अलग